इससे ज्यादा है तो उसमें निजासत गिरने से नापाक, अगर इससे कम है तो फिर नापाक हो जाएगा, अगर ज्यादा है तो फिर कैसे पता चलेगा कि पानी नापाक है। देखना पड़ेगा कोई एक भी चेंज हुआ तो क्या होगा, अब कुछ पिछला डेटा याद आ गया, चलो भूलना नहीं। हद से असगर कौन से, हद से असगर है क्या, वो शादियों का मौका है क्योंकि वुज़ू के बाद बीवी को हाथ लगा दिया तो, लेकिन वो तो फिर शावक वुज़ू जो है ये शर्त है किसके लिए, नमाज के ठीक होने के लिए, सही होने के लिए, वुज़ू नहीं तो नमाज नहीं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला यक़बलु अल्लाहु सलात अहदिकुम इज़ा अहदस हत्ता यतवज़्ज़ा, अल्लाह ताला तुम में से किसी एक बंदे की नमाज कबूल नहीं करता उस वक्त तक जब तक वो क्या करे, याद रखे वो वुजू ना करे, अगर वो बेवुजू हो गया तो जब तक वो वुजू ना कर ले तो तब तक वो क्या है, नमाज उसकी कबूल ही नहीं। तो ये वुजू नमाज के लिए शर्त है, तो इसलिए बल्कि जो हदीस याद आ रही है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत को अल्लाह ताला ने सजा दिया है, जन्नत को सजा दिया है बिल मकारे, ना पसंदीदा, बल्कि आसान लफ्ज कर दूं आपके लिए समझ आ जाए, बिल मकारे कराहत से है, ना पसंदीदा से समझने के लिए आसान लफ्ज ये है कि अल्लाह ने जन्नत को सजा दिया है उन कामों से जो इंसान दिल नहीं चाह रहा होता, दिल ना पसंद कर रहा होता लेकिन फिर भी करता है। इतनी सख्त सर्दी में कैसे ठंडे पानी में हाथ डालूं, दिल नहीं चाह रहा, बड़ी मुश्किल से काबू करके एक एक वुजू से दो दो नमाजें निकालता है कि अगली नमाज में वुजू ना करना पड़े। लेकिन अब यह है कि वो आमाल जिसे दिल इसका नहीं चाह रहा, नहीं पसंद नहीं करता ये, तो फिर भी वो करता है ऐसे आमालों के साथ इसकी जन्नत को अल्लाह ने मुजय्यन किया। ठंडी हवा है कैसे मस्जिद जाओ फिर भी चला जाता है, ठंडा पानी है कैसे हाथ मार पानी फिर भी वुजू करके चला जाता है, यानी ऐसे वो काम जिस हाँ उसका दिल नहीं चाह रहा तो उसे दिल नहीं करता लेकिन फिर भी रब को राजी करने के लिए वो करता है, तो इन कामों से वो उसको अल्लाह ताला उसकी जन्नत को मुजय्यन कर देते। समझ आ गई ना बात, तो मकसद ये कि सर्दी शुरू हो गई है, बाद लोग भी क्या है तहम्मुमी तो जायज है, सर्दी से तबीयत खराब हो जाए, तो भाई ईमान भी होना चाहिए, यकीन भी होना चाहिए, रब से दुआ भी होनी चाहिए, तो अपने लिए तो नहीं, तो जी तो इसमें शायद ने भी कहा है ना कि मोहब्बत सच्ची हो तो वुजू का पानी ठंडा नहीं लगता, सही बात है, तर्जमानी हो सकती है। तो अब ये है कि जब अल्लाह और उसके रसूल ने फरमा दिया, हाँ एक जगह है जहां आप नहीं कर सकते, वो ये है कि जब आपके पास पानी कहीं मौजूद ही नहीं, आप सफर में हैं, आप सहराओं में हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए तयम्मुम का इस किताब ने तयम्मुम की सुर्खी कहीं दी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे हम शुरू करने से पहले तयम्मुम का इसके साथ ताल्लुक है वो अर्ज कर दूं। तो पानी जब मौजूद हो तो तयम्मुम नहीं हो सकता, पानी भी वुजू करना है या कुछ गुस्ल कमल करना, लेकिन हाथ पे जख्म पट्टी बांधी हुई तो क्या किए, तो उस पे आप मसा कर सकते हैं, ऐसा जख्म जिस पर पानी जाने से जख्म बढ़ सकता है, तो आप उस जख्म पर जो पट्टी है उस पर पानी ना जाने दे, बकिया आप धो ले, बरनोरा लगा हुआ है
या किसी की अल्लाह माफ करे कोई ऐसे बालू टूटा होता है या उस पर पट्टी बांधी होती है, प्लस्तर लगा होता है, तो उन पर मसा किया जा सकता है। मसा का में बकिया आगा बोले धो ले। तो इसी तरह ऐसी जगह पर एक बंदा एक शहर से निकला, रास्ते में उसके पानी खत्म हो गया, पानी इतना है कि आपको खुद पीने दे, नहीं पीता तो आगे चलो पीने के लिए रख ले, नमाज को लेट कर ले आगे किसी दूसरी।